Welcome students to the online classes. Today we will learn chapter 18, our feelings. इस वाले चैप्टर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, यानी कि स्टूडेंट्स हम कभी भी एक जैसा फील नहीं करते, महसूस नहीं करते. हम लोग हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग्स होती हैं हमारी. इफ़ एवरीथिंग हैपन्स एज वी लाइक इट वी आर हैप्पी, यानी कि स्टूडेंट हम खुश कब होते हैं? हम खुश तब होते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम सारे काम जो चीज़ हम चाहते हैं वो हो रही हो. If something happens that we do not like, we become sad. Suppose मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो मैं कैसे react करूँगी, मैं कैसे feel करूँगी? I feel sad. If certain things do not happen the way we want them, we become angry. जैसे कि अगर suppose आप कुछ इस तरीके से कोई चीज़ चाह रहे हैं और वो अगर हुई ना तो आप क्या होंगे? You become angry. आपको गुस्सा आएगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था. If someone unexpected things happen, if some unexpected thing happens, we are surprised. Suppose it's my birthday और मुझे एक बहुत ही ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा होगा, तो मैं क्या हो जाऊँगी? आई विल सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊँगी कि ये कैसे हो गया. इफ़ समथिंग कॉजेज अ फीलिंग टू हार्म ऑफ अस, वी बिकम अफ्रेड, यानी कि अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि कोई चीज़, सपोज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई चीज़ मुझे नुकसान कर रही है, तो मैं क्या होंगी? आई बिकम अफ्रेड. These feelings are also called emotions. इन feelings को हम emotions भी बोलते हैं. Controlling emotions, यानी कि किस तरीके से आप अपने emotions को control करें. We share our feelings with our parents, other family members and friends, but sometimes we need to hide our feelings. We should learn to control our emotions. यानी कि students, ऐसे कहा जाता है कि आप अपनी feelings, अपनी thoughts अपने parents के साथ share करें, अपने family member के साथ share करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी फीलिंग्स को उनसे छुपाना पड़ता है ड्यू टू सम रीजंस. तो इसलिए हमें अपने इमोशंस को, यानी कि अगर आप गुस्सा हो, अगर आप एंग्री हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, थोड़े सरप्राइज शॉक हो रहे हो, तो कभी कभी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना चाहिए. राहुल वॉन्टेड अ टॉय फ्रॉम अ टॉय शॉप. हिज फादर डिड नॉट बाय अ टॉय फॉर हिम. ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली एट द शॉप. डू यू थिंक ही हैज़ डन द राइट थिंग. यानी कि स्टूडेंट राहुल को एक टॉय चाहिए होता है टॉय शॉप से उसके फादर जो होते हैं, लेकिन उसको खरीदने से वो मना कर देते हैं. तो उसने वहीं पे शॉप पर ही इतना रोना चिल्लाना बहुत तेज से शुरू कर दिया. क्या आपको लगता है कि जो उसने किया वो सही है? बानीज ब्रदर ओपन हर लैग एंड टुक हर फेवरेट कलर्स विदाउट आस्किंग हर. वेन बानी सॉ इट्स शी बिकम वेरी एंग्री. शी सेड दैट अ फ्यू बैड वर्ड्स एंड स्ट्रेच द कलर. वॉज इट राइट बिहेवियर? यानी कि स्टूडेंट बानी का जो भाई है उसने उसके बहन के बैग में से उसने उसके फेवरेट कलर्स को ले लिए बिना उससे पूछे. जब बानी ने ये चीज़ देखी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स, उल्टे सीधे बातें उसको बोल दी और उस कलर्स को फटाफट से स्नैच कर लिया, यानी उसे छीन लिया. क्या ये राइट बिहेवियर था? नो. वी शुड कंट्रोल अवर फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड जॉय. वी शुड नॉट लेट अदर्स फील बैड और मेक अ फन ऑफ अस. यानी कि कोई भी सपोज फीलिंग्स हो गुस्से की, जॉय की, तो वी शुड कंट्रोल दैट फीलिंग्स. अदरवाइज हमें ये कभी भी दूसरे वाले को नहीं फील करना चाहिए कि हम ना वो हमारा मजाक उड़ा सके, ना उनको बैड फील हो. यानी कि हमें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है. I am upset, my feeling have been hurt, what can I do? Should I cry? Should I fight? Should I hurt others? And no. यानी कि मैं upset हूँ, मेरी feelings hurt हुई, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे रोना चाहिए? क्या मुझे लड़ना चाहिए? क्या मुझे दूसरों को hurt करना चाहिए? No. What I should do is relax, talk to friends, read a book, play a game, watch my favorite program on TV. यानी कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए. यानी कि आपको दूसरों को hurt करने से, लड़ने से, क्राई करने से अच्छा है आपको इन सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए. एंड आई एम हैप्पी अगेन. अब मैं दोबारा से हैप्पी हो चुका हूँ. आई एम हैप्पी नाउ. गुड टच एंड अ बैड टच. यानी कि स्टूडेंट्स दे आर वेरी यू नो दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, टाइप्स ऑफ टचेस. जैसे कि हिटिंग, किसी को हिट करना, पुश थक्का देना, हक करना, ट्रिकलिंग करना, किक करना, पंचिंग करना, किसिंग करना, शेकिंग हैंड्स. यानी दे आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच. इसमें से कुछ गुड टच है, कुछ बैड टच है. नाउ स्टूडेंट दिस इज अ एक्टिविटी विच यू हैव टू डू. हाउ डू यू फील व्हेन समवन टचेज यू. आपको कैसा लगता है जब कोई आपको टच करता है? तो कुछ एग्जांपल्स, कुछ आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं. अब आपको पसंद है तो आप लाइक करोगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डू नॉट लाइक में टिक लगाओगे.
योर बॉडी इज योर इज ओनली योर्स, डू नॉट अलाउ अदर्स टू टच इट विदाउट योर परमिशन. यानी कि स्टूडेंट आपको बैड टच से, यानी कि वो टच जिसमें आप बिल्कुल भी यू नो कंफर्टेबल नहीं हो, यू आर वेरी अनकंफर्टेबल, तो आप उससे कैसे बच सकते हो. आपकी जो बॉडी है स्टूडेंट, सिर्फ वो आप ही बॉडी है, इसलिए आप अपनी परमिशन के बगैर किसी को भी अलाउ नहीं करोगे टू टच इट. वॉट शुड यू डू, यानी कि सपोज अगर इफ़ यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, अगर आप फेस कर रहे हो या आपके साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आपको किस तरीके से अपना ध्यान रखना है. इफ़ समबडी नोन टू यू और या कोई स्ट्रेंजर है, अगर आपको वो गलत जगह पे टच कर रहा है, अगर ऐसी कोई बाहर, तो अगर वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए उस समय अपने आप को बचाने के लिए. मूव अवे फ्रॉम दैट पर्सन एज सून एज पॉसिबल. इफ़ यू समवन, अगर आपको फील हो रहा है कि दैट दिस थिंग इज नॉट, दिस थिंग इज़ वेरी बैड, दैट यू डू नॉट लाइक दैट थिंग, तो आपको तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहिए. अवॉइड कमिंग नियर दैट पर्सन. उसके बाद उस पर्सन की तरफ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. नेवर बी अलोन विद सच पर्सन. आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में उस आदमी के साथ, किसी के साथ जो भी वो पर्सन है एक्स वाई जेड, उसके साथ अकेला नहीं रहना है. टेल योर पेरेंट्स अबाउट हिम और हर. अगर कोई लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, उसके बारे में आप बताइए उनको, अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स को बताइए इस बारे में. मोस्ट ऑफ द पीपल विद द बैड इंटेंशन ट्राई टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन. यानी कि जो इस तरीके के जो गंदे लोग होते हैं ना, वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ के नाम पे. तो इनसे कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट आपको नहीं करनी चाहिए, और उनके साथ कभी भी किसी भी सुनसान जगह पे अकेला नहीं जाना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो.